नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। कौशल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन की तुलना में खुद को स्टार नहीं मानते हैं। उन्होंने बताया कि आज के दौर में स्टारडम किसी इंस्टेंट कॉफ़ी के जैसे हैं, जिसे जब चाहे तब हासिल किया जा सकता है। हालांकि विक्की इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। विक्की से सवाल किया गया कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो एक्टर होने के बावजूद वो स्टारडम का पीछा नहीं कर रहे हैं, क्या वो वाकई खुद को स्टार मानते हैं। इस पर विक्की ने कहा कि उनके लिए फिल्म कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन एक असली स्टार थे। उस वक्त को याद करते विक्की ने कहा, उस वक्त ऋतिक को उनके फैन से जो प्यार मिला था वो वाकई बेहद खास था। मैं भी उनसे मिलना चाहता था। मेरे पिता एक फिल्म टेक्नीशियन थे और उन्होंने ऋतिक के साथ काम भी किया था। इसके बावजूद मैं उनसे केवल एक बार ही मिल सका। मुझे उनसे मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ी। सोशल मीडिया के दौर में फेम के बारे में बात करते हुए विक्की ने कहा, आज सोशल मीडिया की पहुंच ऐसी है कि कोई भी शख्स केवल तभी स्टार है जब तक वह न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर रहा है। एक असली स्टार को शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक की तरह एवरग्रीन होना चाहिए। पहले बॉलीवुड में दशकों की मेहनत के बाद स्टारडम मिलता था और वो शोहरत ज़िंदगी भर के लिए होती थी। आज के दौर में स्टारडम इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह आसानी से हासिल किया जा सकता है। आप फॉलोअर्स, फैंस, ब्लूटिक और प्रमोशन भी खरीद सकते हैं। आज का स्टारडम फास्ट फूड की तरह है। फैन से मुझे जो प्यार मिला उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं एक स्टार की तरह महसूस नहीं करता हूँ। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।